दिया आपने मुझे। और मेरा खुदा, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कुछ हो रहा है मेरे सर में। कबीर मेरा यकीन देना, तो उनका हंसी खुशी वेलकम करना चाहिए। उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं, जो मर्जी हो जाए, ये बच्चा मेरा है और मैं किसी को उस पर हक नहीं जमाने दूंगी। तेरे जाने के बाद ड्रामे में अब फरहीन की हर गलती की सजा सारिया बेगम अशर की बीवी पर डाल रही है। अब अशर भी सज्जल से बदजन हो जाएगा, लेकिन ये सोचे बगैर कि सज्जल उसके घर को कितना संभाल रही है, उसके साथ कितनी मोहब्बत करती है, उसे दिल से एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन अब जब सालिया बेगम को इस बात का इलम होगा कि सज्जल के दिल में उमैर था, तो इस बात को इशू बनाकर वो सज्जल को घर से निकाल देगी, अशर के दिल में बदगुमानी पैदा कर देगी। जबकि उधर सज्जल की माँ भी उसके बेटे की पसंद से शादी करने के सख्त खिलाफ है, लेकिन अब माँ तो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ नूर से। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? कि इसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है? कमेंट करके अपनी कीमती राय से मैं लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।